इंसानों की अकलों और दिमागों में उतना ही फर्क है जितना इंसानों के चेहरों में। औरत की इस्लाह घर के अंदर और बच्चे की इस्लाह की इब्तदा औरत से होती है। बदखलक वो है जिसका गुस्से की हालत में अपने नफ्स पर कंट्रोल ना रहा। इस दौलत से कोई आमक ही प्यार कर सकता है जो दुनिया में बदमस्त और आखरत में जहन्नम का ईंधन बना दे। जब शमा को परवाना एक मर्तबा देख लेता है तो फिर वापसी तारीकी में नहीं जाता। चूंटी भी मट्टी के ढेर में मर जाती है लेकिन उसे नहीं छोड़ती। इसी तरह नेक आबिद खुशी से सबको छोड़ना गवारा करता है मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत से मनरिफ नहीं होता। इंसान का किरदार इससे मालूम होता है कि वो किस चीज से खुश होता है। गुस्सा करने का मतलब है हम दूसरों की गलतियों का इंतकाम अपने आप से लेते हैं और ये कितनी मौजिक खेज बात है। आजादी का ये मतलब नहीं कि मजहब और इखलाक की पाबंदी ना की जाए। जिंदगी का असली मजा इसी में है कि हमेशा तकलीफों और मुसीबतों का मुकाबला करो और इसके साथ साथ मुस्कुराते रहो।